ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्रोड्यूस का आज का डुब्बा इसका नाम है पोकेमोन क्वेडसल को। और आज मैं आ गया हूँ वापस से, मैं था फर्स्ट एपिसोड में, तुम्हें तो पता ही होगा। और अब मैं आया हूँ क्योंकि एन ने बोला था कि इधर पोकेमोन्स के साथ कुछ तबाही हो रही है, टीम मैग्मा और एक्वा ने किया, तो मुझे तो आना पड़ेगा ना देश की रक्षा करने, मैं आ गया इसलिए। और इस बार देख रहे हो मेरे पास मेरी टीम है, पिछली बार नहीं थी, पर ये देख रहे हो मेरे पास पिकाचू है मेरा। हेलो पिकाचू, कैसे हो? अच्छे हो ना? मस्त। हाँ, और आई नो इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, बट स्टिल मैं एक हफ्ते से गायब था क्योंकि यहाँ काम रहते हैं भाई। तुम लोग की तरह फ्री थोड़ी ना बैठो, मजाक करो भाई, ये मेरी जोक्स को मजाक में लिया करो, मैं सीरियस कभी होता ही नहीं हूँ। ये गधा है, ये सीरियसली मैंने बोला, ये गधा है, ये वाला तो गधा है। हाँ नहीं तो बताओ, बैडल करने आ गया, पानी में घूम रहा था, पर इसके पास है भी नहीं कोई वाटर टाइप पोकेमोन। एक तो मेरे पिकाचू के पास ज़्यादा अच्छे अटैक्स नहीं है, ये गड़बड़ है, पर चलो कोई ना, इसीलिए मैं अभी आगे इसको रखूँगा। कहाँ गया पोकेमोन चार्जर्ड, क्योंकि चार्जर्ड का ही लेवल है और बाकी इसका देख ही सकते हो बहुत हालत ख़राब है, पर अब क्या कर सकते। अब मुझे जाना है ग्राउडन और कायोग्रे को रोकने, तो आराम से चलेंगे क्योंकि बैटल्स नहीं होनी चाहिए और ना ही पोकेमोन्स आने चाहिए, क्योंकि मेरी टीम बेस्ट है। मैं गो थोड़ी ना हूँ जो बेमतलब का कोई भी पोकेमोन पकड़ता बैठूँगा भाई, अपने पास और भी काम धंधा है। चलो भाई अब, अरे भाई 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, अरे एक सेकंड, जाना कहाँ से था मुझे, मैं पहली बात तो रास्ता ही भूल गया, सॉरी सॉरी। ओके मुझे अब शायद थोड़ा सा रास्ता याद आ रहा है, आई गेस इधर ही कहीं था, मैं श्योर नहीं हूँ, पता नहीं, मैंने इतनी बार पोकेमोन एमराल्ड खेला है पर मुझे याद ही नहीं आ रहा। और आज मैं थोड़ा लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक तो स्कूल में था, प्लस साथ ही साथ पता है क्या हुआ था आज सीन, मैं स्कूल गया था और उधर ही ये क्या बोलते हैं बारिश होने लगी थी, छाता था नहीं, अब क्या बोल सकते हैं, फिर थोड़े टाइम तक स्कूल में ही बैठा रहा। और हाँ मैं सही जगह पे आया हूँ, इधर ही हमें जाना है, और देखते हैं अभी चल क्या रहा है आखिर। इधर मैं आ चुका हूँ ये सोटोपोलिस सिटी में। ओ भाई क्राउडन और कायोग्रे तो तबाही मचा रहे हैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। टैम क्या ही शॉट है, रोकना पड़ेगा भाई इन लोग की फाइट, नहीं तो ऐसे चलता रहेगा तो देश खतरे में। अभी तो सोटोपोलिस सिटी में तबाही मचेगी, फिर ऐसे ही बाद में और तबाही मचती रहेगी, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। कैसे करूं पर मैं रोकूंगा तुम लोग को, रुक जाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी, रुको। अरे भाई इनको ऐसे नहीं रोक सकते क्योंकि ये लोग बहुत ताकतवर है, हमें अब करना क्या होगा। ये दोनों, ये चंगू मंगू की वजह से ही हुआ है ये सब, व्हाट्स रॉन्ग विद, हाँ चल इन लोग की वजह से ही सब तबाह हो गया। तुम लोग भी क्या करते हो यार, कुछ काम धंधा करो यार, अच्छा काम करो, ये सब करोगे फिर अब ये लोग खुद पछता रहे, मतलब अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। ओ स्टीवन है, हेलो स्टीवन, तुझे याद ही होगा मैंने तेरे को मास्टर एड में हराया था, याद है ना? हाँ याद होगा, खैर छोड़ वो सब बातें छोड़, इधर तबाही मच रही है, आखिर मुझे करना क्या ही है बता। ओ अच्छा, एक बंदे से मिलाएगा मुझे, कौन सा बंदा, उसका क्या करना है, उससे बैडल करनी है? अरे बैडल्स का वक्त नहीं है भाई, तेरे को हरा दिया तो मैं और किसी को भी हरा दूंगा, चल ज़्यादा मत कर, अब जल्दी चल भाई, कितना आराम से चल रहे, देख रो चल रहा है भाई, मॉडल है क्या तू भाई, भाग भाई भाग, खतरे में अभी भाई, कितना स्लो चलता है, स्टीवन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, पर खैर हमें क्या। ओ इधर एक बंदा मिलेगा, ठीक है इधर मैं ही चलता हूँ, मैं कोई अब सब कुछ करना है, तुम लोग के बस की बात तो है नहीं कुछ, कहाँ कौन है बताओ, कौन सा बंदा है, उसको पहले ये सब लड़ाई रुक जाए फिर मैं उसे भी हरा दूँगा, कौन बंदा है बताओ पहले। अरे ये कौन है, अरे ये तो वॉलेस है भाई, तेरे को तो मैंने हराया था एनिमे में, याद है जब, तुम लोग को भी याद होगा जब सरीना आई थी उसी एपिसोड में मैंने हराया था इसे। ओ रेक्वाजा को हमें बुलाना पड़ेगा, हाँ तभी तो, क्योंकि हमारे पोकेमोन्स काम नहीं करेंगे, रेक्वाजा काम करेगा, तो रेक्वाजा रहता कहाँ पे? अरे मैंने क्या क्लिक किया, अरे केव ऑफ ओरिजिन, नहीं उधर नहीं रहता, मुझे पता है स्काई पिलर में रहता है। चलो अब निकल तेरी ऐसी की तैसी, ज़्यादा टाइम पास मत कर। ओके तो हमें अब स्काई पिलर जाना है और मुझे आई गेस रास्ता पता है, तो चलो चलते हैं अभी उधर ही, केव ऑफ ओरिजिन तो यही है, इधर ही
तो अभी हम लोग घूम रहे हैं और इधर तो नहीं मिला, तो ऑब्वियस ही बात है उधर ही मिलेगा ना हमें। अरे शिट, पोकेमोन्स की ऐसी तैसी, चलो निकलो। और स्टीवन मेरे को पता चल गया, अब मैं मिल के आता हूँ तेरे को, मतलब रिक्वाजा से मिलने के बाद मिलता हूँ तुम लोग से। चलो चलो नॉर्मल स्पीड में करेंगे, क्योंकि अभी मेन चीज़ चल रहा है, ऐसे तेज़ नहीं कर सकते नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। एक तो शायद मेरा गला ख़राब है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब भी मैं बोल रहा हूँ कुछ अजीब सा लग रहा है। एक बार पोकेमोन सेंटर में हील कर लेते हैं, नहीं तो शायद चेक पॉइंट हमें मिलेगा नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, बहुत ज़्यादा ही गड़बड़। चेक पॉइंट्स चाहिए हमें, नहीं तो बार बार कौन आएगा ऐसे। और वो सिटी का नाम क्या था, मैं शायद भूल गया, फैसिडो आइलैंड कुछ ऐसा था, उधर ही कुछ चल रहा है, तो ठीक है उधर ही चलना है आएगा समय तो। ठीक है ग्राउंड और काया करे, तुम लोग थोड़ा बहुत लड़ते रहो, मैं आ गया दो मिनट में। हालांकि मैं भी तुम लोग को हरा दूंगा, पर रेक्वाजा को बुलाता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे तुम लोग को मारते मारते। और मेरे पोकेमोन सभी उनको मेरे को भिड़ाना नहीं, क्योंकि अभी मुझे जिम बैटल भी करनी है, तो अभी तुम लोग से लड़ते बैठ गया तो कौन ही देखेगा, इसलिए मैं बुला रहा हूँ रेक्वाजा को। एक सेकेंड, पोकेमोन आना नहीं, मेरे को याद करने दो। हाँ मुझे पता है कहाँ से, रुको तुम लोग बस चलते रहो, जब मैं उधर पहुँच जाता हूँ तभी बुलाता हूँ ना तुम लोग को, सही रहेगा। अरे यार कहाँ है, मैं कब से चल रहा हूँ, Route 30 आ गया पर हूँ कहाँ मैं। एक सेकेंड, बट ये कहाँ आ गया मैं अब। एक सेकेंड, ये कौन सी जगह है, व्हाट व्हाट द व्हाट भाई, पता नहीं मैं ये कहाँ आ गया। अरे इधर ही तो होता था फैसिडो आइलैंड भाई, ये क्वेट्जल में तो बदल ही गया, तो अब है कहाँ। ओके वैसे मुझे फैसिडो आइलैंड आना भी नहीं था, नहीं अरे व्हाट द हेल, मुझे जाना कहाँ से, इधर थोड़ा अलग है भाई सिस्टम, व्हाट। अरे भाई मेरे को भाई, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ है, रुको मैं क्या कर रहा हूँ। इधर ही आना था क्या हमें, ये है कौन सी जगह पर। ओके भाई ये है कौन सी जगह, ओ डैम पोकेमोन्स तो काफ़ी ख़तरनाक है। ओ इधर कुछ तो है पर भाई ये कहाँ आ गया मैं। ओके आई डोंट नो मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं, पर स्टिल चलते रहो। ये तो था ही नहीं यार, मुझे पक्के से पता है, और मैं भाग क्यों नहीं पा रहा। अच्छा बैट जी, ये तो वो है ना बैटल, तो इसमें से थोड़ी ना भाग सकते, कोई गार्ड रहने दे भाई, मत सीख आप सॉल को भी आने दो, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब बैटल मत करियो, मुझे देखने दे मैं जा कहाँ रहा हूँ भाई, पहली कन्फ्यूजन है इतनी, ऊपर से बैटल करते। अरे भाई क्यूरम ही क्यूरम है, अरे यार पोकेमोन्स क्यों आते हो भाई मेरे को। ओ ओ बच गया, डैम क्या बचाऊँ, जा कहाँ रहा हूँ मैं, मेरे को सही में नहीं समझ रहा, क्योंकि ये था ही नहीं पोकेमोन एमराल्ड में, वो पता नहीं क्या आया था। अरे यार मैं कहाँ जा रहा हूँ सही में भाई, मैं मिल जाएगा तभी मैं तुमसे मिलता हूँ भाई, मेरे को नहीं समझ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ। ओ वेट यही तो है फैसिडो आइलैंड। ओके तो मैं इधर तो आ गया, पर हमें इधर एक्चुअली आना नहीं था, मुझे जहाँ तक पता है रास्ता। ओ शिट भाई रास्ता, एक सेकंड व्हाट, हाँ इधर से होता था मुझे याद है। और फिर ओके भाई पता नहीं मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था, पर चलो आ तो गए। और वॉलेस तू इतनी जल्दी पहुंच गया, मुझे रास्ता बता देता भाई। पोकेमोन एमराल्ड में ये सब था ही नहीं, मतलब ये सब तो था पर जो बीच में पता नहीं कुछ आया था ना, वो पता नहीं क्या था, तुम लोग को पता होगा कमेंट्स में ज़रूर से बताना। फिलहाल तो वॉलेस तू तो कुछ कर नहीं पाएगा, तू तो फट्टू है, मैंने तेरे को हरा दिया है, तो तू क्या ही पकड़ेगा रेक्वाजा को, तो मेरे को जाने थे, तू ज़्यादा पका मत, सही बता रहा हूँ मैं। अब हम ही लोग चलते, वैसे भी ये लोग नालायक लोग हैं, बस नाम के चैम्पियन हैं, बस कुछ नहीं कर पाते। हालांकि मैं भी चैम्पियन हूँ अलोला और किसका, गैलर का और किसका। वैसे मैंने तुम्हें पोकेमोन्स नहीं दिखाया यार अपने, दिखा दूँ क्या। ये देखो भाई तुम लोग के फेवरेट्स होंगे पक्के से, पिकाचू तो है, ग्रेनिंजा है, और मेरा फेवरेट चार्जार तो है ही, ये तो हम मेरे साथ स्टार्टिंग से, ग्रेनिंजा भी पकड़ लिया, मग भी रखा हूँ, लुकारियो भी है, लाइस्कोर भी है, मतलब सही है ना टीम पूरी। ऐश है तो ऐश की टीम होनी चाहिए ना, तभी तो मज़ा आया असली, नहीं तो क्या ही मज़ा आएगा ना। पर खैर अभी हम लोग शायद पहुँचने ही वाले,
और ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं, अभी बोला टाइम पास नहीं करेंगे और मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। चलो चलो सीधा पिकाचू को यार अपने साथ रखते हैं, तभी तो ऐश वाली फीलिंग आएगी। पिकाचू के पास कोई अच्छे अटैक्स नहीं है ना, बता 31 लेवल का और इसने अब तक थंडरबोल्ट नहीं सीखा, ये क्या बात हुई, मतलब अजीब ही बात है ना, अब क्या बोल सकते हैं। पर खैर पता नहीं कहाँ गया रेक्वाजा। ओ ये रहा रेक्वाजा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इधर देश में बहुत गड़बड़ चल रही है, तो तुम ही कुछ कर सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है। ओके रेक्वाजा कब से सो रहा था भाई, कितना सोता है, आलसी है भाई रेक्वाजा, इधर देश में गड़बड़ चल रही है और ये सो रहा था बताओ। पर मैं क्या ही बोल रहा हूँ, खैर हमें क्या करना था, हाँ टेलीपोर्ट, टेलीपोर्ट करके हम जाएंगे सुटोपोलिस सिटी वापस। ओ भाई चलो पापा की परी बन के गोल गोल घूम के आ गए हम लोग, और अब देखते इधर क्या चल रहा है। रेक्वाजा कहाँ है तेरे से जल्दी, तो मैं आ गया भाई, तू कहाँ रह गया भाई, काय का रेक्वाजा भाई, स्पीड कितनी स्लो है, आ जा भाई जल्दी इधर, ये लोग तबाही मचा देंगे, जल्दी आ। अरे भाई टाइम नहीं है मेरे पास, जल्दी आ। देख रहे हो भाई दोनों कब से देख ही रहे, फाइट कर ही नहीं रहे। ओके आ गए, चलो नाइस रेक्वाजा फाइनली तू आ गया, अब तू ही रोक सकता है। वैसे देखा जाए ना पोकेमॉन एमराल्ड इसलिए बेस्ट है, मतलब गेम खेलने में मज़ा भी आता था और कितना कूल लगता है ना ये, अगर पहली बार देखो। मैंने भी जब पहली बार ये सब देखा था ना, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था भाई साहब। हालांकि मतलब पुराना गेम है, पुराने एनिमेशन से ये गेम, मतलब ऐसी फाइट्स 3D में दिखानी चाहिए, मतलब एनिमे में दिखा चुके हैं जब एलान वाला चैप्टर था पोकेमॉन XY में, पर स्टिल गेम्स में दिखाना चाहिए इन्हें। और फाइनली हमने रोक दिया पोकेमॉन ओमेगा रूबी में, ऐसा कर सकते थे ओमेगा रूबी अल्फा सफायर में, तीनों लोग एक दूसरे से लड़ते, क्या ही मस्त लगता ना सीन। पर खैर चलो गाइस हमने फाइनली इधर रोक तो दिया है, देश कब्जे में था, ये कैसे बोल रहा हूँ भाई मैं, डायलॉग नहीं बोल पा रहा, एक तो देश देश बोल रहा हूँ मैं बार बार, जम नहीं रहा देश नहीं बोलने का, क्या बोलूँ क्या बोलने का भाई। अरे भाई कौन पोकेमॉन है भाई, अभी मैंने तुम्हें बचाया, नो वे बैड, तू पानी में क्या कर रहा था भाई, तू तेरे विंग्स ख़राब हो जाएंगे भाई, भाग जा तू। पर खैर हमने इधर रोक दिया। और भाई कैसा चल रहा है तुम लोग का, अब अच्छा लग रहा है ना, मैंने पूरी होएन को बचा लिया, तभी एन ने मुझ पे ही विश्वास करके बुलाया था, क्योंकि उसे भी पता है कि दे मैं ही बचा सकता हूँ दुनिया को, और कोई तो बचा नहीं सकता। हाँ ग्राउड और कायोगर थे तो खतरनाक, पर रेक्वाजा ओपी था। और स्टीवन क्या बोलता है, हाँ मैगजी और वो क्या नाम है, मैगजी और उसका नाम क्या था, आर्ची, दोनों लोग सबक तो सीख गए होंगे, तो इतना तो सीख ही जाना चाहिए, पर अभी भी नहीं सीखे होंगे ना तो बहुत मारेंगे उन्हें भाई, पटक पटक के मारेंगे भाई, टेंशन नहीं लेने का। पर खैर हमने हरा तो दिया है इसे, और अभी हमें एक रेन बैच चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे विक्ट्री रोड पे, फिर विक्ट्री रोड से हम जाएंगे कहाँ पे, तुम्हें तो पता ही होगा हम लोग कहाँ जाएंगे, विक्ट्री रोड से हम लोग जाएंगे सीधा लीग में, और फिर लीग में करेंगे तबाही। और मैं पता नहीं मैं कौन से कैरेक्टर के साथ खेलूँगा, तुम लोग बताओ नेक्स्ट एपिसोड में मैं कौन से कैरेक्टर के साथ खेलूँ। बाकी लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहो, हंसते रहो, और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं कितने गंदे जोक्स मारता हूँ, पर कोई ना यार छोड़ो, लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, हमें 1K करते हैं, बस थोड़े से सब्सक्राइबर्स रह गए, बाकी मिलेंगे हंस कमाल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।